देख सकते हो आज ही शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का एक फुल फॉर्म मतलब एक अपर ट्रेंड होता है। उसमें एक ऐसी कैंडल बनती है शूटिंग स्टार, उसकी विक जो होती है वो लंबी होती है, बॉडी छोटी होती है। इसके ये अगर बनी ना, उसके आगे वाली कैंडल अगर रेड हो तो एंट्री लेने का है। देखिए आप ये देख सकते हो आज, ये देखो इधर शूटिंग स्टार बनी थी, अगली वाली कैंडल रेड हो गई। अब इधर से मार्केट पूरा गिर रहा है। हाँ तो ये तो पूरा लाइव मार्केट है, देख सकते हो निफ्टी में। देखो लाइव मार्केट है 14 अगस्त, देख सकते हो। अभी इधर तो देखने की ज़रूरत है शूटिंग स्टार में क्या अपना क्या फुलफिल होता है। शूटिंग स्टार क्या है मतलब, क्या मतलब एक बेरेज कैंडल होता है, जिससे आप देख सकते हो मार्केट पूरा गिर रहा है। कंसोलिडेट होकर मार्केट भी गिर रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाहर होने का। उसमें शूटिंग स्टार का यही मतलब होता है। ऐसे देखो अप ट्रेंड में होता है मार्केट, जैसा कि अभी देख सकते हो पूरा अप ट्रेंड में मार्केट, और शूटिंग स्टार बना और झपदी सी गिर गया। शूटिंग स्टार का मतलब क्या मालूम क्या, आप अगर शूटिंग स्टार आपको दिखती है ना, तो अगर उसका हाई और लो, पहली बात तो हाई और लो सपोर्ट और रजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक, ऐसा मतलब लगाने का, जिस साइड वो ब्रेक होता है ना उस साइड ही अपने को पोजीशन लेके चलने का। अब इधर देख सकते हो मैंने हाई और लो मार्क नहीं किया, मैंने पहला किया था। आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा, कभी तो देखना मेरे प्रोफाइल में आपको मिलेगा। इसका हाई और लो अगर मार्क किया ना तो बहुत, इसने तगड़ा मोमेंट दिया रे। अभी इधर से तो और गिरा और ऊपर हुआ और तगड़ा मोमेंट दिया। तो ये शूटिंग स्टार का बहुत मतलब होता है, बेरिश कैंडल का बहुत, शूटिंग स्टार बहुत मिलने को मिलता है। अभी और एक दिखा सकता हूँ, हमें 7 तारीख का मार्केट लगता है शायद से। हाँ ये देखो 7 तारीख का मार्केट है। देखो 1 सेकेंड, 7 तारीख का, ये देखो इधर एक प्रॉपर शूटिंग स्टार बनी, और यही इसका रेजिस्टेंस था। ये देखो देख सकते हो ना पूरा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया और इसका उसने हाई भी ब्रेक किया। नेक्स्ट देखा लो भी ब्रेक किया, सॉरी हाई इसने उसका, पहली बात तो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया इधर से इधर तक। ये पॉइंट क्लियर हुआ, एक पहला पॉइंट, और कैंडल मिली। फिर कैंडल मिलती शूटिंग स्टार में, अगला कैंडल रेड बना, रेड बनने के बाद फिर और एक रेड बना, इसमें ही मार्केट में बूम मतलब बहुत प्रॉफिट मिला। और 12:30 के आती, 12:30 की आते ही ट्रेड लेना कभी भी। ये तो अभी बहुत मतलब बहुत सस्ता टाइम मतलब बहुत टाइम गया, 12:30 की पहले ही गया, 12:30 के पहले ही गया मतलब। हाँ 12:30 की पहले अगर लेते हो ना ट्रेड, तो उसमें क्या होता है मालूम कि आपको आपको पहले तो मूवमेंट मिलता है और आपको ट्रेंड का पता चलता है। अभी इधर से 12:30 का पूरा कंसोलिडेट ही है, अभी देख सकते हो। ऑलराइट तो अभी आते हैं हमारा लाइव मार्केट क्या चल रहा है। शूटिंग स्टार का मतलब आप समझ गए ना, कुछ नहीं समझने का, सिर्फ बाकी गया मार्केट अगर आप अप जा रहा होता तो वो एक कैंडल बनती है तो मार्केट में नीचे पुट साइड की पोजीशन लेके चलना है। हाँ तभी जब भी मार्केट में शूटिंग स्टार बनती है, अगले वाला कैंडल रेड बने तब आपको पोजीशन लेना है, बाकी ग्रीन बने तब नहीं। ग्रीन बने तो भी आपको सपोर्ट रजिस्टर हाई लो फक्त लगाने का है। फिर उसको अगर कौन सा भी कैंडल लो और मतलब आपको ब्रेक करता है ना कौन सा भी सपोर्ट और रजिस्टेंस, फिर उस हिसाब से ट्रेड लेने का। तो पॉसिबल होगा तो मार्केट में अगर रेड कैंडल बनती है ना शूटिंग स्टार के अगले, तो आपको लग सकता है मार्केट नीचे गिरेगा। अगर ग्रीन बनेगा ना तो नहीं, वो फेक कैंडल है, सिर्फ वो ट्रैप लोग बिछारे ऐसे, बस बाकी कुछ नहीं। अब समझना है तो समझ लो, आपको देखने का है देख लो, वीडियो अच्छी लगी तो पसंद भी कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। मिलती है अगली वीडियो में, नेक्स्ट वाली कैंडल कौन सी, मेरी सिंगल फिल्म पे यहाँ पर टॉपिक मिलता है। अगर कौन सा भी मेरे सिंगल भी वहाँ पर मिलता है ना मार्केट में, लाइव में दिखाता हूँ, अरे कुछ भी ऐसा फेक नहीं बता था कुछ भी, मैं खुद ने आज ट्रेड लिया है आपको, मैं खुद ने आज ट्रेड लिया है आज को आपको दिखाता हूँ इसको। इसमें ना आपको पहली बात तो मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ वीडियो में, उसमें मेरे को 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, छोटा प्रॉफिट लेके मैं बाहर हो गया क्योंकि मार्केट आज पूरा साइडवेज है। इसलिए उसमें शूटिंग स्टार बनी, अभी देखते क्या होता है। 2:20 की कैंडल की स्ट्रैटेजी भी आएगी। चलो बाय।